अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं भी बस तैयार हो गई थी और थोड़ी देर में मुझे निकलना है, एक दो जगह कुछ ग्रॉसरी करने जाना है और फिर मुझे क्या करना है, तो शाम को भी एक जगह जाना है, तो उसके लिए भी हम तैयार व्यार होंगे। और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी है, वो एक दो दो तीन जगह जाना है हमने, तो खैर वहां चलेंगे। अभी मैं क्या देख रही थी, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग में से कितने लोग बिग बॉस के फैन हैं। बिग बॉस 17 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं तो फुल ऑन एकदम ग्लू टाइप हो जाती हूँ ना, कि मुझे देखना ही है बिग बॉस बिग बॉस। लेकिन अभी ये हो रहा है कि कलर्स पे चल नहीं रहा मेरे पास, और एक और मेरे पास डिवाइस है टीवी की, उस पे पहले वो चल रहा था, लेकिन अब उसकी कोई एपिसोड नहीं आ रही, तो मैं अब यूट्यूब पे देख रही हूँ। अभी भी मैंने लगाया हुआ था, लेकिन ये कि अभी पता नहीं क्यों सही चल ही नहीं रहा। मैं जितना ट्राई कर रही हूँ, कुछ इसमें अच्छे लग रहे हैं, एक दो करेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं इस YouTube में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने झगड़े होते हैं। सब इतना लड़ते हैं यार, इतना लड़ते हैं कि मतलब कि हद ही हो गई। लड़ लड़ के उन्होंने ना बुरा हाल किया हुआ होता है। खैर ये मुझे आप लोग से शेयर करना था। और दूसरा मैं क्या करने वाली हूँ, आज आज मैं अपनी एक दो वीडियोस एडिट करूँगी, जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। और दूसरा ये कि अभी हम लोग शाम तक निकलना है, हम लोग को जहाँ जाना है, क्योंकि अभी दिन में इतनी शदीद कोई कराची में गर्मी हो रही है ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में ठंड प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कराची की जो गर्मी है क्या मतलब, जाते जाते ना इतने जोर के झटके मार के जा रही है ना वो, तो अभी तो इतनी गर्मी है, अभी हम नहीं निकल रहे हैं। अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। और खाने में आज क्या बना है, खाने में आज बना है चिकन का कुछ सालन वालन, जो मसाले वाला होता है कुछ, और मेरे फेवरेट मुझे आप लोग बताइए, आप लोग करेले पसंद है कि नहीं? मुझे करेले बहुत पसंद है, करेले कीमा, करेले गोश्त, करेले चने की दाल, करेले प्याज, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बनती है, मेरी मम्मी बनाती थी, मतलब अभी भी बनाती हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती है। और उसमें ज़्यादा वो जो अचार का तड़का सा भी लगता है ना, अचार ही मसाला और ये सब डलता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास हैं, उनको भी करेले बहुत पसंद है, तो वो और मैं तो जब भी करेले बनते हैं ना हम लोग, तो भाई वो ज़्यादातर करेले ही खा रहे होते हैं। तो खैर वो बनाइए अम्मी सा, वो हम खाएंगे आज, क्योंकि पराठा डे होता है सैटरडे को, तो हम लोग थोड़ा सा लेट लंच करते हैं। और बस ये है आज की अपडेट, और सैटरडे स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या करेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा बिग बॉस और मैं कहाँ से देख सकती हूँ, कोई लिंक हो कुछ हो जहाँ से प्रॉपर मुझे सारी उसकी एपिसोड देख लूँ मैं, क्योंकि ये होता है अगर यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ ना, तो एक लिंक चलता है, देन नेक्स्ट में दोबारा देखती हूँ तो वो एपिसोड डिलीट हुआ होता है, उस पर होती ही नहीं वो एपिसोड। तो बस आज की अपडेट ये थी, अब आगे हम देखते हैं, दिन का स्टार्ट तो हो चुका है, और कहाँ कहाँ हम जाते हैं और क्या करते हैं हम, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं आई हूँ अपना फेवरेट चीज़ लेने के लिए, और वो क्या है, वो है भुट्टा। और भुट्टा हम ले रहे हैं, जैसे ही बनता है फिर हम निकलेंगे। और आज था मंडे और ऑफिस था, और ऑफिस वैसे ही रहा जैसा रहता है, ठीक था। खैर तो अभी आज मेरा जो हमारे जो ड्राइवर है वो आए नहीं थे, तो अभी मैं खुद कहाँ जा रही हूँ घर। और बस ये था, आप लोग बताएं कैसा जा रहा है, मैचेस देख रहे हैं, क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं? या वैसे पाकिस्तान तो बहुत ही गुस्सा दिला रहा है कुछ, इतना ज़्यादा, मतलब इंसान थोड़ा तो परफॉर्म कर लेता है यार, अल्लाह करे कुछ आगे अच्छी न्यूज़ आ जाए, वैसे ही सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं हर तरफ से, पूरी दुनिया का आप देखें तो हर तरफ ही मतलब ऐसी डिप्रेसिंग न्यूज़ है, डिप्रेसिंग चीज़ें चल रही हैं, तो आपका दिल भी नहीं चाहता कुछ करने का ना। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ सारी चीज़ों को बेहतर करें, जितनी भी दुनिया में मुसलमान हैं उन सबको अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हालात बेहतर करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और बस यही है।
चले फिर अब हम लेते हैं बट्टा और वो खाते हैं और फिर घर चलते हैं। और घर चल के हम क्या करेंगे वो देखते हैं कि घर पे क्या पका है आज। तो लेट्स सी। तो यहाँ आ चुका है मेरा यमी सा कोई बुट्टा छली, क्या कहते हैं आप लोग इसको, इस्लामाबाद। और इस तरफ अगर आप देखें ना तो वो इसको बॉईल करके देते हैं, लाइक ये पूरा ना बॉईल हुआ हुआ होता है और फिर मसाला लगाते हैं। हमारे यहाँ हम इसको कोयले पे करते हैं, दोनों का अलग मज़ा है। तो मैं ये इंजॉय करती हूँ और फिर जब तक हम घर चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं घर आ गई थी तो हमें अचानक से बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ बना रही हूँ झटपट से जो होते हैं ना वो फ्रेंच टोस्ट, वो बना रही हूँ। तो फ्रेंच टोस्ट में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, तो मैंने सोचा चलो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। ये मैंने अपना ब्रेड ले ली है, मिल्क ले लिया है, ये मैंने दो एग्स ले लिए हैं, और ये साइड पे हमारा वनीला एसेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर आपको आगे बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैंने दो एग ले लिए हैं, इसके अंदर मैं ये मिल्क ऐड कर दूँगी, ठीक है, जितना आपको चाहिए। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम डालते हैं वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं डालिएगा कड़वा हो जाता है, सही है। थोड़ा सा हम ये डालेंगे। ओप्स, एक और चीज़ तो मैं भूल गई, जो मेन चीज़ है इसकी वो है शुगर। चीनी मैं निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो यहाँ हमने चीनी निकाल ली है, चीनी हम अंदाजन डालेंगे, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल दीजिए। हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल ली। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम बीट 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 कर लेंगे, सही है। नीचे नहीं गिराइएगा मेरी तरह, बदतमीजों की तरह, तो ये नीचे ना गिरे, और इसको आप अच्छी तरह से बीट कर लें, सही है। अचानक से फरमाइश आई है कि भाई फ्रेंच टोस्ट खाना है, तो बस ये अचानक अचानक वाले जल्दी वाले बन रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से बीट करते हैं और फिर उसके बाद मैं इसको इसमें डिप करूँगी स्लाइसेस में, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से बीट कर लेना है, सही है। तो ये हमारा बीट हो गया अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे, ठीक है। मैंने हीट ऑन कर ली, फ्लेम ऑन कर लिया है, ठीक है। ऑयल डाला हमने, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें एक एक करके जो हमारे स्लाइसेस हैं उनको डिप करके अच्छी तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। चला, फ्लेम को आप पहले ऑयल के लिए तेज हीट करिएगा और फिर उसके बाद मीडियम हीट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो जल्दी ना जाए ना। आपके पैन में जितनी जगह हो उसमें आप डालिएगा। मैंने बड़ा पैन लिया है तो फ्राई कर रही हूँ कि चार आ जाए। आ जाए चार, ठीक है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, किसी से भी आप लेके जो आपको मिली हो। मुझे ये इस टाइप के जो होता है ना चटना चिमटा टाइप जो होते हैं ये चाहिए, ठीक है। ऑयल चारों तरफ इसकी ज़्यादा हो तो आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ये थोड़े जल्दी जल्दी वाले हैं, एक और मैं बनाती हूँ, वो थोड़े से फ्लफी होते हैं और उसका ये होता है कि थोड़ा हेल्दी बनते हैं ये वाले, जो हेल्दी लाइक थोड़े डबल स्लाइसेस उसमें लगते हैं, और वो हम आज भी बना रहे हैं। आज हम ये जल्दी जल्दी वाला बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप थोड़ा बहुत टर्न कर सकते हैं ताकि दूसरी तरफ से थोड़े जले ना, ना इस तरह से, ठीक है। इसको हम फ्राई ऐसे करेंगे कि ये चारों तरफ से फ्राई हो, किसी एक तरफ से ना हो, ठीक है। तो इसको आप लोग मूव करते रहिएगा, इसको मूव करना नहीं भूलिएगा, मूव करते रहना, अच्छा, वरना एक ही तरफ से हो जाता है और बाकी तरफ से फिर भी गोल्डन नहीं होता। ये तो इतने इजी होते हैं, सबको आते होंगे। मेरी जो मदर है ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम बनाती थी, तो उस वक्त से तो मुझे उन्होंने सिखा दिया था, और मुझे बहुत इजी होते हैं, आराम से बन जाते हैं।
तो फ्राई करते हैं उसको जल्दी से। अच्छा इधर देखिए, ये हमारे फ्राई होते जा रहे हैं और हम निकालते जा रहे हैं। इस टाइप का कलर आता है तो फिर ये अच्छे से क्रिस्पी टाइप बनते हैं। सही है, ये हमारा हो गया एक बैच। अब मैं दूसरा बैच भी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। ये भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं और साइड पे हमारी बन रही है टना टना चाय भी बन रही है हमारी। तो ये है, ठीक है, ये दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अच्छा तो यहाँ हमारे बन चुके हैं मज़े के फ्रेंच टोस्ट, ये अम्मी से, और चाय भी हमारी तैयार है। तो अब हम चल के अपना टी टाइम करते हैं। तो हमारे यमी से फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हैं और अब हम जल्दी से जाके चाय वाय पीते हैं। मेरी मगरिब की नमाज भी रह गई और पसीने पसीने, इतनी कोई गर्मी है ना ये पूरे पसीने। चले अब चलते हैं। हेलो हेलो, तो हम खा चुके थे फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़े के थे, रियली मज़े के थे। मैं जितना वेट लूज़ करना चाह रही हूँ उतना ही मुझे लग रहा है मैं वेट अपना ना पुट ऑन करती जा रही हूँ। तो खैर हमारी अच्छी रही, हमने खाया पिया ऑफिस से आके और क्या किया मैंने, और कुछ नहीं किया। और फिर मैंने थोड़े से ब्लॉग्स देखे और मैंने थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखा और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, नमाज़ पढ़ी, नमाज भी पढ़ी थी मैंने, नमाज़ें पढ़ी। और अब हम मैं करती हूँ यहाँ पे ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब हो चुकी है रात। बस अब जाके मैं थोड़ा बहुत देखूँगी, अगर रात का मुझे अभी खाना खाना हुआ तो इतनी मुझे भूख तो नहीं लग रही, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट वैसे ही बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं वो देखूँगी और थोड़ी बहुत अपने ड्रामे देखूँगी। एक तो बहुत नए ड्रामे अभी स्टार्ट हुए हैं, हम का हम पे हुआ एक बिलाल अब्बास का, वो आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा एक और ड्रामा भी स्टार्ट हुआ है। तो वो दो ड्रामे अच्छे लग रहे हैं और एक मैं वो भी देख रही हूँ, ग्रीन चैनल पे स्टार्ट हुआ है काबुली पुलाव, वो भी अच्छा ड्रामा है। खैर वो मैं देख रही हूँ और बस ये चल रहा है। अभी हो चुकी है रात और सोने का टाइम हो गया है, तो अभी हम करेंगे टाटा बाय बाय। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है और दुआओं में बिल्कुल याद रखना है, ढेर सारी दुआओं में मैं भी आप लोग को याद रखूंगी। और स्पेशली हमारे जो जो वहाँ फलस्तीन में हो रहा है उन सब के लिए ढेर ढेर सारी दुआएं, बस हम दुआ ही कर सकते हैं और हमसे जितना हो सके जहाँ से हो सके उनकी हेल्प फ़िलहाल हम दुआओं से ही कर सकते हैं। तो खैर अपना आप लोग सब बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नए किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।